हेलो गाइज, नमस्कार, आदाब, स्वागत है भाभी साहब सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी इंडियन रिएक्शन में। दोस्तों, आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ एक नई आने वाली पाकिस्तान फिल्म इसरत मेड इन चाइना के ऑफिशियल ट्रेलर के ऊपर। और 2 दिन या 3 दिन पहले ये ट्रेलर आया है, तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से पहले इस ट्रेलर को देखते हैं कि आखिर इसका ट्रेलर कैसा है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए दोस्तों, पहले जल्दी से इसका ट्रेलर को देखते हैं, लेट्स बिगिन। जियो फोन मिंत्रो मुझे इतना पैसा कि मेरी अपनी गेम बदल जाए, बताओ। एक तो सही क्या लाया हूँ? नहीं हाँ, यार तुझे चाइना ले जाएंगे और वहाँ तो पैसा लगाएंगे। चैंपियन था मैं, बेरोजगारी और मधाली का चैंपियन। 1 मिलियन युआन 2.5 करोड़, अब तो तुम्हें जाना ही होगा। जिंदगी बदल देगा आपकी ये मौका। मौका? सॉरी, एक्सक्यूज मी दादा, आपका भाई जा रहा है चाइना। कहाँ लाजवाब। वाला लाल अभी किसी माने जना ही नहीं है। सुपर, वो मेड इन चाइना। सो फ्रेंड, तो ये था ट्रेलर आने वाली न्यू पाकिस्तानी फिल्म इसरत मेड इन चाइना की। और जहाँ तक इस ट्रेलर की बात करें तो मुझे काफ़ी पसंद आया ट्रेलर, और विजुअली भी काफ़ी पसंद आया, और एक्शन पैक्ड होने वाला है ये मूवी। साथ में कॉमेडी और रोमांस लव स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। एक्शन काफ़ी कमाल का लगा मुझे, जितना भी ट्रेलर में देखने को मिला वो काफ़ी कमाल का था। लास्ट का जो फाइट सीन हमें देखने को मिलता है जब फिल्म की टाइटल आती है उससे जस्ट पहले, वो कमाल का लगा मुझे। बाइक सीन्स कमाल के लगे, और जो लास्ट में झंडे के साथ जिस तरीके से जो हीरो का जो पोज होता है वो कमाल का लगा मुझे। काफ़ी गूज़बम था और काफ़ी दिलचस्प लगा मुझे ये ट्रेलर, और काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो हालांकि मैं जो एक्टर या जो एक्ट्रेस है उनके नाम तो नहीं जानता, तो आप कमेंट सेक्शन बताइए कि क्या नाम है और इनकी और कौन सी फिल्म है जो कि आई हुई है, उस पे भी जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को ने ये ट्रेलर देखा है तो कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, मेरा रिएक्शन कैसा लगा, वो भी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।